आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। विधानसभा चुनाव का जो है कि झारखंड में आगाज हो चुका है, लेकिन जो है कि चुनाव से ठीक पहले जो है कि नेताओं का जो है कि दल बदल का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुका है, आगाज हो चुका है। कल चंपई सोरेन यानी कोल्हान टाइगर वो भी जो है महागठबंधन छोड़कर यानी कि वो भाजपा का दामन थाम लिए हैं, और आज जो है कि लोबिन हेमरम जो कि जेएमएम के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं वो भी जो है कि कमल खिलाने के लिए भाजपा चले गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व विधायक गीता सिरे उरा, हम इन्हीं से जानेंगे किस रूप से देख रहे, चूंकि जो आदिवासी नेता है वो भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और वो कांग्रेस को तमाम तरह की जो है कि आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर में, वो कोस रहे हैं। देखिए आप तो ये अपनी अगर दुर्गति लिखवाने का सोच ही लिया है इन लोगों ने तो बिल्कुल ये इनकी अपनी मर्जी है, मगर ये समझ लें कि राजनीति जब ये सामाजिक रूप से करने के लिए निकलते हैं तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इनको सिर्फ अपनी चिंता है, समाज की नहीं। क्योंकि अभी जो देश में लहर है पूरे वो कांग्रेस और गठबंधन की सरकार की तरफ, लोगों को आखिरकार समझ में आ ही गया कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे हक अधिकार और न्याय दिलाने की बात करता है। तो इसीलिए आज के दिन तो आज मैं यहाँ रांची में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में मैं खड़ी हूँ, और आज के ही दिन में भाजपा भाजपा जदयू और से तो कार्यकर्ता और पदाधिकारी गणों ने तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की ही है, साथ ही साथ जो है नए जो हमारे युवा जन जो हैं उन लोगों ने भी जो है बड़े संख्या में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। गीता जी, आपकी महागठबंधन की सरकार जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जो है कि मंत्री ही बनाया, विधायक भी बनाया, 40 सालों तक जो है कि उन्हें आपने मान सम्मान दिया, पूर्व मुख्यमंत्री की कुर्सी तक में बैठाया। बात करें लोबिन हेमरम की, उनको जो है कि पार्टी जो है कि विधायक भी बनाया, तो बात रहा कि इतने लंबे समय के बाद जो है कि वो दूसरे पार्टी में जाते हैं और वो आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी जो है कि अपमान करने का काम किया, क्या कहेंगे? नहीं, अब तो ये इनकी अपनी सोच है, जब इनकी अब इनके हिसाब से काम नहीं हो तो ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते ही हैं लोग, कोई नई बात नहीं है। अभी तो इनको ही भाजपा जो है देश का उद्धार करने वाला नजर आ रहा है, जबकि ये शायद या तो भूल गए हैं या समझ के समझना नहीं चाहते हैं कि जो पार्टी इस देश का संविधान बदलने की बात करती हो, और इन्होंने किया, और इनके तो बड़े बड़े नेता जो हैं स्टार प्रचारक जो हैं लोगों से बोल रहे थे कि हमें 400 पार करवा दो, हम इस देश का संविधान बदल देंगे। अब सोचिए एक ऐसा संविधान विश्व का विशालतम बेहतरीन जिसमें देश के सभी वो पिछड़े वर्गों का, हमारे अपने आदिवासी दलितों का, अल्पसंख्यकों का, उनको जो न्याय दिलाने की उनके जो अधिकारों की बात करती है वहां पर ये ऐसे संविधान को मिटाने की बात करती है। यानी आप खुद ही सोच लीजिए कि अधिकार इनको सिर्फ अपना ही याद आ रहा है कि हर कुछ इनको ही मिलना चाहिए और हमेशा ही मिलना चाहिए, और नहीं हुआ इनके हिसाब से तो फिर वही पार्टी जिन्होंने इनको इतना मान सम्मान जगह स्थान और सब कुछ दिया, चंपई सोरेन जी को तो विशेष रूप से उनको तो मुख्यमंत्री बनाया गया, मौका दिया गया अपनी जो है एक मान प्रतिष्ठा बनाने का इस राज्य के मुख्यमंत्री होने का, मगर एक बात जरूर हम लोग को देखनी होगी कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जी जो हैं, जो जिन्होंने वो एक बयान दिया ना कि ये पिछले 6 महीने से पहले से ही चंपई सोरेन जी के संपर्क में थे, तो देखिए ये तो फिर आपको क्या किस तरह का चरित्र ये दिखा रहे हैं, विश्वासघाती ही ना हुआ जी। आपने विश्वासघात किया उस पार्टी के साथ, तो ये खुद ही जनता समझ जाएगी, आने वाले वक्त में इनको भी समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या कर लिया। गीता जी, लोकसभा चुनाव पे अगर हम लोग जाए, ठीक आज से 4-5 महीने पहले अगर जाए, तो उसमें क्या हुआ कि जो दल बदलू नेता है उन्हें जो है कि जनता जो है कि सबक सिखा चुकी है। बिल्कुल, गीता कोड़ा की बात करें चाहे सीता सोरेन की बात करें, तो जो है कि इन दोनों को सबक सिखा चुकी है। अब विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी जो है चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमाने के लिए तैयार है, और एक तरफ लोबिन हेमरम जो कि आज से कमर खिलाने के लिए गए हैं, तो क्या जनता इन्हें सबक सिखाएगी? क्योंकि आदिवासी नेता तो हैं,
बिल्कुल। और चुनाव से ठीक पहले अपना पाला बदले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने लोकसभा के चुनाव से भी कोई सबक नहीं लिया है। और अगर ये सोच रहे हैं कि हम जो है इतनी कदकाठी के हैं, तो जनता भी समझदार है। और जिस तरह से इन्होंने सीता और गीता जी दोनों को उन्होंने जो सबक सिखाया, तो ये मेरे ख्याल से अब इनका वक्त भी आ गया है। और यही इनको अब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जनता अब जान गई है कि कौन सी पार्टी जो है हमारे जो है अधिकारों को ख़त्म करने के लिए हमारी जो दुश्मन है, ये समझ गई है। और कौन हमारा हितैषी है, ये भी समझ गई है। मगर नेता जो इस तरह के जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जाते हैं, तो आने वाले वक्त में इनको भी पता चलेगा। चंपई सोरेन जी तो जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनका विधानसभा में लोकसभा जो पिछड़ गए थे वो बुरी तरह से, क्यों अब जो असम के मुख्यमंत्री जो हैं शर्मा जी, उनकी बातों में कहीं दम नजर आ रहा है। और ये भी बातें हैं कि इन्होंने जगह जगह इस तरह से ऐसे लोगों को भड़काने का और ऐसे लोगों को बिठाने का काम किया जो अलायंस का जो है हार के लिए काम करे। अगीता जी, जाते जाते जो है कि भाजपा के पास जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री का एक समूह है, एक झुंड है, उसके बावजूद जो है कि उन्हें अपने आदिवासी जो पूर्व मुख्यमंत्री चेहरा है उन पर भरोसा नहीं है, जो फिर से हायर कर लिए, फिर से कल जो है ना कि उन्हें पार्टी में सदस्यता दिलाए। हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी की, जिसके नेतृत्व में 5 साल जो है कि हेमंत सरकार को कोसते रहे, उनके साथ में अब अर्जुन मुंडा, चूंकि केंद्र से उन्हें रिटायर कर दिया जनता ने, अब वो झारखंड की राजनीति में सक्रिय है। पीछे दरवाजे से गीता कोड़ा के साथ जो है कि मधु कोड़ा भी है। क्या इन तीन तीन आदिवासी मुख्यमंत्री पे भाजपा को भरोसा नहीं है तो फिर से चौथा ले आई है, क्या किस रूप से देख रहे हैं आप? नहीं, ये शायद अपना सोच रही है कि हम नंबर बना रहे हैं, मगर भारी गलती कर रहे हैं। हेमंत शर्मा जी को तो काफी बड़े राजनीतिकार माने जाते हैं, मगर इन्होंने भी गलतियां कर दी हैं। और ये इनको आने वाले वक्त में जो अभी बहुत ये सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी बाजी मारी है, इनको बहुत जल्दी ही इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। तो बस उसी का इंतज़ार करें, हम भी कर रहे हैं वो भी करें, और कि किस तरह से जिस तरह से जनता ने धूल चटाया लोकसभा में, अब ये दोबारा जो है अब उसको चाटने के लायक भी नहीं रहेंगे, धूल भी चाटने के लायक ना रह जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो। तो ठीक है, जो जिसको जो समझ में आए, हम तो क्या कह सकते हैं इसमें, मगर निश्चित रूप से जिस तरह की राजनीति गरमाई है वो बहुत जल्दी ठंडी भी होने वाली है भाजपा में। चलिए गीता जी, जाते जाते एक सवाल का आंसर दीजिए कि कोलान टाइगर के भाजपा में शामिल होने से आपके महागठबंधन सरकार का कितना चुनौती होगा? अभी तो पता नहीं, बहुत लोगों ने उनके टाइगर होने में भी सवालिया निशान उतार दिया है। और नहीं, अब देखिए क्या होगा, परिणाम होगा उसमें कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़े। नहीं, अगर इतने बड़े टाइगर थे तो उनके साथ में और भी तो उनके फॉलोअर्स, बेटा के अलावा उनके साथ कोई भी नहीं है। तो जब वो कोल्हान में जब उनका इतना दबदबा था, तो बाकी विधायकों ने उनसे मुंह क्यों मोड़ लिया, ये सोचने वाली बात है। तो यही दर्शाता है कि विधायक भी समझते हैं कि लोगों का हित कहाँ पर है, तो लोगों का हित है वहीं पर सबका हित है। गीता जी, जब तक जेएमएम में थे आपके टाइगर यानी कि चंपई सोरेन यहाँ दहाड़ रहे थे, भाजपा में जाने के बाद उनको दहाड़ने का मौका भाजपा देगी आपको लगता है? देखिए ना, अब कितना देगी वो तो अभी वक्त ही बताएगा, अभी तो कल ही गए हैं। आज तक अब तो उनका सुर बे सुर है, मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला कर रहे हैं काम। अब दहाड़ेंगे, कितना दहाड़ पाएंगे वो देखिए, आगे वाला वक्त ही बताएगा। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, महागठबंधन की सरकार क्या जनता फिर से एक बार चुन करके आपको फिर से मौका देने का लग रहा है आपको? निश्चित रूप से जितने जन कल्याण वाले जो कार्यक्रम अभी दोबारा से चलाए जा रहे हैं, सरकार आपके द्वार कल से ही शुरुआत हुई है जो 15 सितंबर तक चलेगी, तो उसमें और भी जैसे मैया वाला जो योजना जो है ये जोड़ा गया है, अबुआ आवास और बहुत सारे जो हैं कि आम व्यक्ति को उसका हक अधिकार दिलवाने की जो चीज़ें, जो बातों को, विचार को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से जनता को इसका लाभ मिल रहा है। और मैया योजना का भी हम लोगों ने देखा कि अभी रांची में ही यहाँ का और कुछ हमारे अपने क्षेत्र में भी अकाउंट में जा रहे हैं पैसे, शुरू हो गया है, खटाखट शुरू हो गया। चलिए, आप लोग खटाखट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि चुनाव बेहद नजदीक है
और 5 साल जो है कि हेमंत सरकार यानी महागठबंधन की सरकार को गिराने के लिए भाजपा जो है कि जोड़ तोड़ की राजनीति की, लेकिन जाते जाते जो है कि भाजपा आपकी महागठबंधन की सरकार में सेंधमारी करने में कामयाब होगी, ये चुनाव में किस तरह से हावी हो सकता है, क्या देखिए उन्होंने तो षड्यंत्र रचा था लोकसभा चुनाव से पहले भी, जो अभी वर्तमान के हैं जिनको तत्कालीन बना दिया गया था हेमंत सोरेन जी को, उनको भी तो चुनाव से पहले इन्होंने किया था कि हम लोग अपना पासा पलट लेंगे, बाजी मतलब टेबल पलटने वाली बात थी, मगर देखा ना परिणाम क्या निकला उसका। तो अगर अभी भी इनकी तो देखिए इनके कला इनकी संस्कृति में ये सब रचा बसा हुआ है। जिस समय कोरोना दस्तक दे रहा था, राहुल जी बार बार आगाह कर रहे थे केंद्र सरकार को कि कुछ कीजिए और फैलने वाला है, तो उस समय ये क्या कर रहे थे, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रहे थे और बना रहे थे। इनको कोई किसी चीज़ों से मतलब नहीं है, इनको बस है कि सत्ता में और कैसे बने रहे, ताकत हमारे हाथ में किस तरह है, ताकि हम मनमानी कर सकें और यहाँ की देश की जनता को जो है पीस के, जो अपने पूंजीपति मित्रों को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकें, यही इनकी मंशा है और ये बार बार दिखता है। अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ था और हजर जंगल को किस तरह से काट के जो है माइनिंग लीज के लिए जो अडानी ग्रुप को दे दिया गया, तो ये इनकी मंशा है। झारखंड में भी ये चाहते हैं कि सारंडा जहाँ पर यूरेनियम इतना बेशकीमती जो पदार्थ मिलता है वहाँ पर भी इनकी नज़र जरूर टिकी है। तो इनको लोगों से, वन पर्यावरण से या फिर किसी भी चीज से सरोकार नहीं है, सिर्फ सिर्फ जो है अपनी तिजोरी भरना, अपनी ताकत बढ़ाना, यही इनकी सत्ता का जो है मूल मंत्र है। गीता जी जाते जाते, चूंकि विधानसभा चुनाव है, सवालों का जो लिस्ट है वो फहरिस्त है वो लंबा है, भाजपा के पास जो है कि 4-4 मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद जो है कि वो अपना मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो ऐलान नहीं कर रही, जबकि महागठबंधन के पास दूल्हा तैयार है, क्या कहेंगे? देखिए अभी तो सभी दूल्हे टकराएंगे ना आपस में, इसमें तो सबसे आजा जो शुरू हो गया बाबूलाल जी का, आज ही मैं पेपर में देख के आ रही थी कि बाकी सब जितने खिलखिला रहे थे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान और ठेस जो है चंपई सोरेन जी के आने से और असुरक्षा की भावना उनमें सबसे जागी है। निश्चित रूप से ऐसे हालात में जो होता है भीतरघात और बहुत सारी चीजें जो हो जाती हैं, तो ये भाजपा अपने आप को संभाल लेना, फिर देश को संभालने और राज्य को संभालने की बात वो बाद में करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी। ये थे गीता श्री उराव जो कि कांग्रेस के विधायक रह चुकी हैं और मंत्री भी रह चुकी है। आपको बता दो कि इन्होंने जो है कि सीधे सीधे भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके पास 4-4 मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी चेहरे हैं, उसके बावजूद जो है कि विधानसभा चुनाव के लिए जो है कि मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं कर रही है, जबकि हमारे पास महागठबंधन के पास में जो दूल्हे के रूप में है वो हेमंत सोरेन, जो कि अपना हिम्मत से चुनावी मैदान में जो है कि आदिवासी चेहरा या फिर जो चुनाव प्रभारी सह प्रभारी है हेमंत बिस्व शर्मा से टकराने के लिए तैयार है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, कुछ ही दिनों के बाद झारखंड में जो है कि विधानसभा चुनाव का जो है आगाज होने वाला है, तब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या जनता भाजपा के सरकार को या फिर महागठबंधन की सरकार को अपना जनाधार देकर कुर्सी में किसे बैठाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही, देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी रीति के साथ संजय कुमार, रांची।